दुनिया कभी भी खत्म होने वाली है, हमारी लाइफ कोई गारंटी नहीं है इस लाइफ की, एक लम्हे के लिए भी गारंटी है। अब ये अच्छे थे, दूसरे लम्हे में इंतकाल हो जाता। 1000 वाकयात है। अल्लाह के रसूल से यही पूछा गया था, लोगों ने आके पूछा, मस्जिद भरी हुई, आके पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह से पूछिए, अल्लाह से ये कहिए कि हम जब आते हैं दुनिया में 9 महीने पहले मालूम हो जाता सबको, सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते कि कंफर्म हो जाता कि बंदा आने वाला है, अंकल आने वाले हैं, लेकिन जाने का पता क्यों नहीं चलता। अल्लाह को बोलो कि बता दे हमको कि भाई तुम 60 साल जिंदा रहोगे, तुम 70 साल रहोगे, 80 साल, 90 साल, जितने साल जिंदा, आने का जब पता है 9 मंथ्स बिफोर, तो जाने का भी बता दे अल्लाह। एक ने पूछा, सारे मुसलमानों ने कहा या रसूलल्लाह ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो अब तक नहीं हुआ था, अब बता दे। वो बोले अल्लाह से कि प्लीज बता दे। अल्लाह के रसूल ने एक जुमले में जवाब दिया। रावी पूछ रहा कि आने का जब पता है, जाने का हमको क्यों नहीं पता, सीक्रेट क्यों है ये कि एक लम्हा पहले भी मालूम नहीं रहता कि हमको जिंदगी है या मौत है, कोई गारंटी नहीं, अगर मालूम हो जाए तो कितना अच्छा है। अल्लाह के रसूल ने कहा उसका नहीं बताना उसकी रहमत है। क्यों, क्यों रहमत है? आज हमको पता ही नहीं है कि कब मरने वाले, उसके बाद यह गफलत है, नहीं है गफलत। 100 साल की प्लानिंग करते हम, ये समझ रहे कि पूरा शारजा मरेगा मैं जिंदा रहूंगा, आप नहीं समझ रहे मैं बोल रहा। कभी कोई सोचता कि मैं मरने वाला हूं? नेवर। नहीं मालूम है, कुछ ही नहीं मालूम है, वी डोंट नो एनीथिंग। एक लम्हे की गारंटी नहीं, एक सेकंड का हम गारंटी नहीं दे सकते कि मैं 1 साल जिंदा रहूंगा, 10 साल जिंदा रहूंगा, 20 साल, मौला आपको सलामत रखे, लेकिन उसके बाद यह गफलत है हमारी। हम जितनी प्लानिंग करते सब इस दुनिया की प्लानिंग कर रहे। मुझे आज तक पूरी दुनिया घूमता हूं माशाल्लाह मौला के सदके में, सुबह यहां शाम वहां, मुझे आज तक कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला, गौर से सुनना, कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला कि जिसने एक मोमिन दूसरे मोमिन से बात करे। हम पार्टीज में जाते, महफिलों में जाते, दावतों में जाते, मजलिसों में मिलते, मिलाद में मिलते, एक मोमिन सबसे मिलते हैं। कभी आपको कोई मोमिन मिला कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से कहा, या कोई एक औरत दूसरी औरत से कहे कि भाई तुमने उस दुनिया के लिए कोई प्रिपेरेशन किया है, हमको भी बताओ, हम भी वही करेंगे। कभी कोई बोलता? हम जब एक साथ बैठ के व्हाट्सएप पे चैटिंग करते तो चैटिंग में कभी ये डिस्कशन आता, व्हाट्सएप पे भी बोलना है मुझे, इंशाल्लाह बोलूंगा, फेसबुक और व्हाट्सएप मेरे टॉपिक में आएगी कि एक मोमिन की पहचान क्या होना। आज तक कोई मोमिन नहीं मिला मुझे, ना कोई औरत। 1000 सवाल करते, ये नहीं बोले कि यार मौलाना कोई वहां की बात बताओ कि वहां का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, कुछ नहीं। पूरे जितना आप खुद इंसाफ से बोलो, जितनी तैयारी है आपकी, यहीं की तैयारी। मैं आपको यहीं का एक एग्जांपल देता, पूरे गल्फ में जीसीसी कंट्रीज में जितने लोग माशाल्लाह सबको अल्लाह सलामत रखे, हर आदमी जो यहां पर रहता है, आप सबको एक्सपीरियंस होगा कि जो भी आपकी सैलरी है 10, 15, 20, 25, 30 हजार, अल्लाह सबके 50 हजार कर दे सैलरी। मुझे मालूम है जब पैसे की दुआ करता सब आमीन बोलते, सैलरी की बात करूं इसकी बात, पूरी दुनिया का यही मिजाज है सबका। जब मैं बोलूं कि मौला इनके रिस्क में बरकत दे, पूरे हाथ उठा के आमीन बोलते। अल्लाह गुनाहों को माफ करे तो कभी नहीं बोलते, हम गुनाहगार ही नहीं है तो क्या हमको माफ करे। तो बहरहाल अल्लाह सबकी सैलरीज माशाल्लाह 100,000 कर दे यार, लाजिम देखो इंप्रूवमेंट हो रहा। मौला एक चीज याद रखो, 100,000 हुसैन इब्न अली के लिए कोई बड़ी बात नहीं, देना, मांग के देखो, अता में कमी नहीं है, मांगने का सलीखा नहीं है। क्या बोला मैं, हुसैन की अता में कमी नहीं है,